Good morning class, this is our new Anna Physio class. This is our last class of embryology. भाई देखिए इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने लूनार मंथ जो आपके सामने लिखा पड़ा है ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, फीटस का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे. हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो सेकेंड लूनार मंथ में कंप्लीट हो जाता है और फीटस का डेवलपमेंट शुरू होता हो जाता है. और ये लूनार मंथ का जो डेवलपमेंट था ये अपन ने सिक्स्थ लूनार मंथ तक पढ़ लिया था. इसके आगे का डेवलपमेंट अपन आज की अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे एम्ब्रियो से फीटस बना, कैसे फीटस के आर्म्स लेग्स की बड बनी थी, आर्म्स में फिंगर्स भी दिखने लग गए थे, फिर सारे सिस्टम डेवलप हो गए थे, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन गया था, हेड इरेक्ट हो गया था, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, जो कि इंडिया में तो इलीगल है डायग्नोस करना. सारे सिस्टम्स ऑर्गन्स डेवलप हुए हुए हमने पढ़ लिए थे, पूरे अच्छे से जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ थी वो डेवलप हो गई थी. फिर ब्राउन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फैट का डेवलप हो जाता है, वर्निक कैसियोसा की कवरिंग बन जाती है स्किन के ऊपर और स्किन के हेयर्स वगैरह जो है वो सारे सारे दिखाई देने लग जाते हैं, ये हमने पढ़ा था. अब सेवन्थ लूनार मंथ जो कि 23 से 26वें हफ्ते का ओल्ड फीटस होता है, इस 26वें हफ्ते के एंड पर फीटस जो है वो 25 सेंटीमीटर क्राउन टू रंप लेंथ में आ जाता है और 1000 ग्राम का उसका वेट हो जाता है. फिंगर पे नेल्स दिखाई देने लग जाते हैं, अभी तक तो फिंगर्स वगैरह ही बनी थी, अब नेल्स भी बन गए हैं. बॉडी लीन हो जाती है, आईज थोड़ी बहुत खुल जाती है, जबकि इससे पहले हमने कहा था, इससे पहले हमने बोला था आईलिड क्लोज हो जाती है, यहाँ पे अब आईज पार्शली ओपन हो जाती है और आई लैशेज जो हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं. ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होता है जिसमें प्रिमिटिव एल्वियोलाई बन जाते हैं, प्रिमिटिव एल्वियोलाई के टर्मिनल सैक्स बन जाएंगे जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. ये सिस्टम तो हमने पढ़ाई था, एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन ने पढ़ा था, अब इसमें टर्मिनल सैक्स यानी एल्वियोलाई जो फूले फूले गुब्बारे से जो है ये बन जाते हैं सेवन्थ लूनार मंथ के अंदर. स्किन यहाँ पर मोटी हो जाती है, अभी तक तो पतली थी बेचारी, स्पेशली हैंड और फीट की जो स्किन है वो मोटी हो जाती है. स्टार्टल रिफ्लेक्स दिखाई देता है, ग्रास्प रिफ्लेक्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स आपको अच्छे से महसूस होगा. तो ये देखिए सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्लियर दिखाई गई हैं फीटस के अंदर, जिसको आप डिटेल में पढ़ चुके हो. एट्थ लूनार मंथ जो कि 27 से 30वें हफ्ते का ओल्ड फीटस होता है, ये क्या है कि भाई 30वें हफ्ते के ग्रोथ के एंड पर फीटस जो है वो 28 सेंटीमीटर क्राउन रंप लेंथ का हो जाता है, 1700 ग्राम का बन चुका होता है. आईज उसकी ओपन हो जाती हैं, फीटस जो है वो हमने बोला कि भाई 28 सेंटीमीटर का तो इसकी हाइट हो गई है, 1700 ग्राम का वेट हो गया है. आईज पूरी तरह से खुल जाती है, जो सेवन्थ में तो हमने कहा पार्शली खुल रही है, पूरी तरह से खुल गई. एम्पल हेयर आ जाते हैं हेड के ऊपर और जो लेन्यूगो थे वो अब हल्के हल्के फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो सिक्स्थ मंथ के अंदर ये लेन्यूगो बन गए थे पूरी बॉडी हेयर के, वो हेड के ऊपर हेयर जो वो अब फेड होने लग जाते हैं, जबकि हेड पर जो एक्चुअली एम्पल हेयर हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं. स्किन थोड़ी सी रिंकल्ड हो जाती है, ये तो पहले भी थी, ये रिंकल्ड और हो गई है. टो नेल्स भी अब इसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं, जबकि पहले फिंगर के नेल्स दिखाई दे रहे थे, अब टो नेल्स दिखाई दे रहे होते हैं. टेस्टस जो है वो इनगोइनल कैनाल में रहती है, अब धीरे धीरे स्क्रॉटल सैक के अंदर डिसेंट होने लग जाती है. ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान से पड़ेगा, सेकेंड ईयर में मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी पैथोलॉजी के अंदर जहाँ पर ये आपके काम आएगा. क्या अभी तक तो टेस्टिस ही इनगोइनल कैनाल के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के इनगोइनल कैनाल के अंदर टेस्टिस रहती है और फिर यहाँ पर इस 8वें महीने के अंदर ये स्क्रॉटल सैक में डिसेंट होने लग जाती है. अगर ये डिसेंट नहीं होती, कब नहीं होती, जब इनगोइनल कैनाल नैरो रह जाती है तो टेस्टिस डिसेंट नहीं होती, यानी अनडिसेंडेंट टेस्टिस रह जाती है. तो ये कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन अनडिसेंडेंट टेस्टिस, इसको आप कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म.
तो ये हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर नॉर्मल में स्क्रॉटल सैक में आ जाती है। सर्फेक्टेंट कोट जो है वो ज़्यादा होता है एल्वियोलर एपिथीलियम का, सर्फेक्टेंट कोट यहाँ पर ज़्यादा बन जाता है। अब नवा महीना, नाइन्थ लूनार मंथ, जो कि 31 से 34वें हफ्ते का ओल्ड फीटस होता है, 34वें के हफ्ते के एंड पे फीटस जो है 32 सेंटीमीटर क्राउन रंप लेंथ में आ जाता है और 2500 ग्राम का, 2.5 किलो का फीटस बन चुका होता है। फिंगर नेल्स फिंगर टिप तक पहुंच जाते हैं, पहले तो बनने शुरू होते हैं, फिंगर टिप तक पहुंच गए। स्किन पिंक कलर की और स्मूथ हो जाती है। टेस्टिस पूरी तरह से स्क्रॉटल सैक के अंदर आ जाती है, डिसेंट हो जाती है। तो ये 9वें मंथ तक डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 10th लूनार मंथ, 35 से 38वें हफ्ते का ओल्ड फीटस, तो 38वें हफ्ते के ग्रोथ के एंड पर फीटस जो है वो 36 सेंटीमीटर का क्राउन लंप लेंथ में आ जाता है और 3400 ग्राम यानी लगभग 3.5 किलो का लगभग हो जाता है। सबक्यूटेनियस फैट का एम्पल उस पर दिखाई देता है। लैनियोगो कम हो जाते हैं, जो हल्के हल्के हेयर थे फेड तो हो ही गए थे वो। टो नेल्स भी अब टो टिप पर पहुंच गए, 9th मंथ में तो फिंगर नेल जो थे फिंगर टिप पर पहुंचे थे, अब टो नेल टो टिप पर पहुंच जाते हैं। टेसिस क्रॉटम में आ जाती है। वर्निक केसियोसा जो है वो सिर्फ बैक पर रह जाती है। ब्रेस्ट जो है इसमें थोड़ी फम हो जाती है, अच्छे से मतलब बन चुकी होती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट बन गए, वर्निक केसियोसा जो पूरी अभी बॉडी पे था अब केवल बैक पे रह गया। टेसिस पूरी तरह से स्क्रॉटम में आ गई, टो नेल पूरे बन गए, लैनियोगो कम हो गए और एम्पल जो सबक्यूटेनियस फैट का था वो दिखाई देता है। अब देखिए भाई ये डायग्राम में देख लीजिए, अभी तक जो अपन ने बातें बोली थी लेट 4 वीक के अंदर, एमनियोटिक कैविटी, एमनियन और ये एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ। ये कोरियोनिक विल्लस अपन ने बोला था बन रहा है, जो कि प्लेसेंटा बना रहा है। ये कोरियोनिक विल्लस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन रही है, अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज और ये अंदर यॉर्क सैक है। अब 5वें से 8वें हफ्ते में एम्ब्रियो जो है उसकी सारी स्ट्रक्चर्स बन जाती है। ये एडल्ट की एडल्ट एम्ब्रियो बन चुका होता है 8वें हफ्ते के एंड पे, जिसको अब अपन बाद में फीटस कहेंगे। ये फीटल पीरियड शुरू हो गया 9 से 12वें में। ये सारे वो पिक्चर्स हैं जो अभी तक अपन लोगों ने लैंग्वेज जिनकी पढ़ी थी उनकी ये डायग्राम है। तो ये देखिए 9 से 12वें हफ्ते में, देखिए ये 13वें से 16वें हफ्ते में एकदम बच्चे जैसा अच्छे से दिखाई दे रहा है ये, है ना। ये 17वें से 20वें हफ्ते के अंदर देखिए, ये यहाँ पर 21 से 38वें हफ्ते में, तो ये हेयर वगैरह सब कुछ, लेग्स देखो अच्छे से उसकी, फिंगर्स वगैरह सब कुछ, तो वो सब दिखने लग गया है और हेड जो है इरेक्ट हो गया है। तो फीटल स्टेज का डेवलपमेंट ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। बस इतना काफ़ी है। इसके साथ में एम्ब्रियोजेनेसिस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आपने पुराने पेपर्स देख लीजिए। और भी कोई टॉपिक डिटेल में अगर इसमें पूछा जा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अपन और डिटेल में पढ़ सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज़ एक बार ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। इसके अंदर बस अब आपके ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर बताई गई है, ये भी एक बार देख ही लेते हैं अपन नेक्स्ट क्लास क्या लें इसकी, इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर दिखाई गई है ये फीटल सर्कुलेशन बताया गया है, आर्टरीज और वेन्स से, वेन्स से क्योंकि देखो फीटल सर्कुलेशन नॉर्मल सर्कुलेशन जस्ट उल्टा चलता है, इसमें वेन्स प्योर ब्लड लाती है और आर्टरीज जो है इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाती है। तो ये अम्बिलिकल वेन दिखाई गई हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज दिखाई गई हैं, एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन देखिए, कोरियोनिक प्लेट बनी हुई है, इंटरवीलस स्पेस है, मेन स्टेम विलस। तो ये स्ट्रक्चर आप पढ़िए, ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर, कोरियोन एमनियन मेन स्टेम विलस डेसिडुआ पेरिटालिस वगैरह सब बताए गए हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है, ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर जिसमें फीटस का ब्लड वेसल्स हैं, धंसी हुई ये विल्लाई है अंदर,
ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, विलस के चारों तरफ ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो ये प्लेसेंटा से आगे जा करके जुड़ रही है, ये इंटर विलस स्पेस है दो विलाई के बीच का स्पेस, और ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं जो कि प्लेसेंटा से, तो ये फीटस और मदर की ब्लड वेसल्स एक दूसरे से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ी हुई हैं। ये और अच्छे से प्लेसेंटल डिस्क दिखाई गई है जिसके अंदर आउटर आपको कोरियोनिक प्लेट दिख रही है, उसके अंदर कोरियोनिक विलाई दिख रही है, ये इंटर विलस स्पेस विलाई के बीच में स्पेस, ये प्लेसेंटल सेप्टम बताया गया है, ये मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन और आर्टरी हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं बच्चे को। एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियन कोरियन, एमनियोटिक सैक जो है वो एमनियन कोरियन और एमनियोटिक फ्लूड का बना हुआ है, ये यूटराइन वॉल दिखाई गई है, ये प्लेसेंटा विलाई की स्ट्रक्चर जिसमें बेसल लैमिना, एपिकल मेम्ब्रेन वगैरह हैं, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही है मेटल सर्कुलेशन से बच्चे तक, और फीटल सर्कुलेशन से सीओ और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रहे हैं, ये सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और अंदर एंडोथीलियल सेल्स। तो बस ठीक है, ये प्लेसेंटा भी अपन ने पढ़ लिया, तो अपना एम्ब्रियोजेनेसिस नाम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ तो ख़त्म कर दें, दे एंड तो वहीं आ गया था क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस वहीं कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर तो अपन जो है वो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर मैंने आपको आगे इन तीन स्लाइड्स के अंदर बता दी हैं, इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।